हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाएंगे, जो एनिमल किंगडम का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम देखेंगे डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। मींस डेवलपमेंट दैट इज द एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट बोल लीजिए, ठीक है। तो ये एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट या डेवलपमेंट के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को ओके। सो आवर टुडेज टॉपिक दैट इज द डेवलपमेंट। सो बच्चों, डेवलपमेंट जो है, ठीक है, डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है बेसिकली? इट इज द चेंजेस, ओके। डेवलपमेंट मीन्स द चेंजेस, ओके, विच ऑकर्स फ्रॉम बिगिनिंग टू मैच्योरिटी, विच ऑकर्स From beginning to maturity of an organism. Okay. Now, on the basis of development, organisms can be classified into two categories. डेवलपमेंट के ऊपर ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं हम। एक वो जिनका डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, ओके, सो वो आ जाएंगे डायरेक्ट डेवलपमेंट कैटेगरी के अंदर। और दूसरा जो है वो है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो अब मन में ये दुविधा आ रही है कि डेवलपमेंट जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है ना। तो बच्चों, जो डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है या जो ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट डेवलपमेंट पे आते हैं, उन ऑर्गेनिज्म में बेसिकली लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता, ठीक है, और वो ऑर्गेनिज्म मेटामॉर्फोसिस पे शो नहीं करते। और जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में आते हैं वो उसमें लार्वल स्टेज आएगा और मेटामॉर्फोसिस पे शो करते हैं। ओके, ना तो जैसा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं डिटेल में, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट डेवलपमेंट में नो लार्वल स्टेज, एंड इन दिस केस देयर विल बी अ लार्वल स्टेज, यहां पे लार्वल स्टेज पाया जाएगा। जबकि यहाँ पे लार्वल स्टेज है नहीं तो यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस भी नहीं होगा, सो दे विल शो नो मेटामॉर्फोसिस, okay, and in this case larval stage is there, so they will show metamorphosis. Okay, now in direct development what happens, जो young ones होते हैं, young ones मतलब early stage में जो young ones होते हैं organism को, वो adult को resemble करते हैं, ठीक है, सभी एस्पेक्ट में, बट एक्सेप्ट इन कलर एंड साइज। कलर एंड साइज को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सारे एस्पेक्ट में वो एडल्ट की तरह ही दिखते हैं, बस उनका क्या होता है साइज छोटा होता है, कलर डिफरेंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इन डायरेक्ट डेवलपमेंट व्हाट हैपेंस, द ऑर्गेनिज्म और द यंग वंस, हियर व्हाट हैपेंस, द यंग वंस will resemble adult one, okay, resemble adult in all aspect, okay, except color and size, okay, उनका size छोटा हो सकता है। और इसका बच्चों example क्या हो जाएगा, direct development में जो example आएगा वो है hydra, and we know that hydra belongs to Cylindrata as well as silver fish. और बच्चों silver fish जरूर लिख रहे, लेकिन ये fish को belong नहीं करता है, okay? It belongs to class Insecta of Arthropoda. इसे silver fish कहते हैं. Okay, now come to this one. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मैंने बताया कि larval stage है, metamorphosis हो करता है, ठीक है, and यहाँ पे जो young ones होता है वो एडल्ट को रिजेंबल नहीं करता, दे विल नॉट रिजेंबल एडल्ट, ओके, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। हियर द यंग वंस
not resemble the adult. यहाँ पे एडल्ट को रिजेंबल नहीं करता. ओके द यंग वंस, यहाँ पे जो यंग वंस है यूजुअली दे पास थ्रू व्हाट वन और मोर इंटरमीडिएट स्टेज. यहाँ पे तो इंटरमीडिएट स्टेज है नहीं. ओके लार्वल स्टेज है नहीं, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेज भी पाया जाता है. ओके फॉर ऑब्टेनिंग शेप ऑफ एडल्ट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं द यंग वंस पास थ्रू वन और मोर ओके इंटरमीडिएट स्टेजेस बिफोर अटेनिंग द एडल्ट फॉर्म. एडल्ट बनने से पहले वो इंटरमीडिएट स्टेज से पास करता है. ठीक है, और इसी फेनोमेनन को, ये जो फेनोमेनन है ठीक है द पासिंग थ्रू जुवेनाइल स्टेजेस, ठीक है इसी को हम मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं. ओके तो बच्चों अगर पूछा कि मेटामॉर्फोसिस क्या है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या है, हम क्या कह सकते हैं, इट इज द फेनोमेनन. मेटामॉर्फोसिस इज द फेनोमेनन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, इट इज अ फेनोमेनन ओके ऑफ पासिंग थ्रू of passing through juvenile stage before attaining the adult form. Okay, before attaining the adult form stages पाए जाते हैं. ठीक है, वो मेटामॉर्फोसिस में आ जाएगा. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, लार्वा जो है, किसी भी एक एग्जांपल को हम ले लेते हैं, फ्रॉग का लार्वा ले लेते हैं. फ्रॉग का जो लार्वा होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, तो टैडपोल. द लार्वा ऑफ फ्रॉग इज टैडपोल. और ये फ्रॉग कहाँ, फ्रॉग का जो लार्वा है वो कहाँ पाया जाता है, एक्वेटिक. ठीक है, मतलब एक्वेटिक हैबिटेट में. ठीक है, मीन्स वाटर बॉडीज में. नाउ तो ये जो लार्वा है, ये लार्वा मेटामॉर्फोज होगा, ये मेटामॉर्फोज होगा, मेटामॉर्फोज इनटू एडल्ट. और इसका जो एडल्ट होता है उसे हम फ्रॉग कहते हैं. ओके सो यहाँ देखिए, ये मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, तो लार्वा से एडल्ट बन रहा है. टैडपोल कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, और फ्रॉग फ्रॉग में ये कन्वर्ट होगा. अंडरस्टूड. तो दिस इज द मेटामॉर्फोसिस. तो यहाँ हम कह सकते हैं यहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है डायरेक्ट डेवलपमेंट में, लेकिन इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में इंटरमीडिएट स्टेज जाएंगे. एक और अगर हम एग्जांपल लेते हैं बच्चों, तो आपने सिल्क मॉथ के बारे में सुना है, सिल्क मॉथ और सिल्क वर्म, वहां भी क्या होता है बच्चों, तो क्या मिलता है, इंस्टर स्टेजेस. ओके वहां भी लार्वल स्टेज पाए जाते हैं. ओके सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द बॉडी टेम्परेचर. ठीक है, अब बॉडी टेम्परेचर के ऊपर देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स को कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. ओके सो आई एम डबिंग दिस पेज, इस पेज को डिलीट मार रहा हूं. नेक्स्ट इज द बॉडी टेम्परेचर. So students, on the basis of body temperature, organisms are divided into again two categories. First is the warm-blooded, and the second is the cold-blooded. Okay, ये पहला हो गया warm-blooded. And the second is cold-blooded. The warm-blooded organisms are also called as endotherms. Endotherm बोलेंगे इसे. And there is another name which is called as homeotherms. Homeotherm. तो आप इसे एंडोथर्म बोलिए, होम्योथर्म बोलिए, वार्म ब्लडेड, ये सब एक ही चीज को बता रहा है. ठीक है, कोल्ड ब्लडेड आर कॉल्ड एज एक्टोथर्म्स, एक्टोथर्म्स. ओके और अनदर नेम इज
पोइकिलोथॉर्म्स। डिफरेंस क्या है दोनों में? ये जो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म है दे कैन मेंटेन देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, वो अपना एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो वार्म ब्लडेड हम उसी ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। सो व्हाट वी शैल राइट हियर, मेंटेन्स कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके, एंड इन दिस केस पोइकिलोथर्म्स द बॉडी टेम्परेचर वैरीज। यहां पे क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो वैरी करता है, बॉडी टेम्परेचर वैरीज विद द चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर। ओके, विद द चेंज इन एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एनवायरमेंटल के टेम्परेचर मीन्स एनवायरमेंट में जो टेम्परेचर है उसके अनुसार ऑर्गेनिज्म का बॉडी में चेंजेज आएगा। तो यहां देखिए ये हो गया जैसे सराउंडिंग, सराउंडिंग दैट इज द एनवायरमेंट और इसके अंदर है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, द सिस्टम। ये हो गया सिस्टम। ओके, नाउ अगेन यहां पे सिमिलर करते हैं, ये हो गया सिस्टम और ये हो गया सराउंडिंग। स्टूडेंट्स कि यहां पे मान लीजिए ये जो सराउंडिंग है, ये सराउंडिंग है SURROUNDING, ये सराउंडिंग हुआ और ये सिस्टम हुआ। सिमिलरली दिस इज सिस्टम एंड दिस इज द सराउंडिंग। ओके नाउ, तो अब बच्चों क्या है कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, मैंने क्या कहा कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म का एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब यहां मैं एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं जैसे ह्यूमन बींग्स। ओके, अब आप लोग को पता है ह्यूमन कॉमन एग्जांपल है तो आपको पता होना चाहिए कि उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 37.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब मान लीजिए बाहर का जो टेम्परेचर है, एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है एनवायरमेंट का, मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस तक चला गया, तो क्या हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री तक चला जाएगा? ओके नहीं, ठीक है, हमारा बॉडी क्या करेगा, ठीक है, स्वेट निकालेगा, ठीक है, स्वेटिंग करता है। दीज आर द फिजिकल चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस विच आर ऑकरिंग। ओके, मीन्स फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, फिजिकल एक्टिविटीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी क्या करेगा, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। ओके नाउ व्हाट हैपेंस, तो यहाँ देखिए 40 डिग्री सेल्सियस सराउंडिंग में है लेकिन हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37.5 ही रहेगा, ठीक है, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। अगर ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाया देन देयर इज सम प्रॉब्लम। ओके मींस बॉडी, समझ में आया, तो हम क्या होते हैं, हम बीमार पड़ते हैं। ओके, गर्मी लगती है, बीमार पड़ते हैं। ओके, तो और एक बात, जब ज्यादा ठंड हो जाती है, ठीक है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए सपोज, तो क्या अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर भी 10 डिग्री सेल्सियस हो गया क्या कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ओके, तो दिस इज द थिंग, हमारा जो बॉडी है वो कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, ठीक है, इसलिए हम क्या है वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। ओके, और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स बेसिकली जैसे मैंने बोला ह्यूमन, तो ह्यूमन किस में आता है बच्चों, मैमल्स में, ठीक है, सो मैमेलिया। ओके, दे आर मैमेलिया एंड अपार्ट फ्रॉम मैमेलिया बर्ड्स आर आल्सो वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म। ओके नाउ एक बार फिर से बोल देता हूं बच्चों, बॉडी टेम्परेचर, यहाँ पे जो बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज इन द सराउंडिंग एटमोस्फेयर। यहाँ पे
एटमोस्फेयर के चेंज से ये इंडिपेंडेंट है, वो अपना एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, बट ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स में या पॉइकिलोथर्म्स में इस तरह का कोई कंडीशन नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए अगर बाहर का टेम्परेचर, ठीक है, सराउंडिंग मतलब एनवायरमेंट का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री तक चला गया तो यहाँ भी क्या होगा, एनवायरमेंट मतलब ये सिस्टम में इसका भी टेम्परेचर क्या होगा, 40 डिग्री तक चला जाएगा। समझ में आया? मीन्स दे आर कन्फर्मिंग देयर टेम्परेचर विद द सराउंडिंग, वो कन्फर्म करके चलता है। अंडरस्टूड? दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ओके, लेकिन वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म जो है ये इंडिपेंडेंट होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म, ओके, जैसे मैं कह रहा हूँ कि बाहर का टेम्परेचर जितना होगा उतना ही अंदर का भी टेम्परेचर होगा, ठीक है, दे विल कन्फर्म। नाउ व्हाट हैपेंस? सो स्टूडेंट्स, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को कि ये जो कोल्ड ऑर्गेनिजम्स है जैसे ये कंफर्म करके चलता है टेम्परेचर, ठीक है, बाहर जितना होगा उतना ही उसका बॉडी का भी टेम्परेचर होगा। सो जो भी ऑर्गेनिज्म आएंगे कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, वो कुछ फेनोमेनन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे हाइबरनेशन, ओके, दे अंडरगो हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, ठीक है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, टू सेव देमसेल्व्स और टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, ओके, बाय स्टोरिंग फूड और बाय मिनिमाइजिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आपको, ये जो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स है, ओके, दे परफॉर्म सम एक्टिविटीज लाइक हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। तो बच्चों, आप लोगों को भी ये टर्म्स मिला होगा, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। हाइबरनेशन का मतलब होता है बच्चों विंटर स्लीप, हाइबरनेशन मींस विंटर स्लीप, एंड एस्टिवेशन मींस समर स्लीप। स्लीप का मतलब यहाँ पे डायरेक्टली सोना नहीं होता बच्चों, मतलब इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब हाइबरनेट वो कब करता है, जब ज्यादा ठंड हो जाता है, ठीक है, अगर एटमोस्फेयर में ठंडा बढ़ गया मीन्स कोल्ड बढ़ गया तो फिर टेम्परेचर लो हो गया, बहुत ज्यादा लो चला गया, तो ये विंटर स्लीप परफॉर्म करेगा, मतलब हाइबरनेट करेगा। और जब बहुत ज्यादा गर्मी हो जाता है तब वो एस्टिवेट करेगा। एग्जाम्पल हो जाएगा फ्रॉग, ओके, फ्रॉग हाइबरनेशन शो करता है। एस्टिवेशन का एग्जाम्पल हो जाता है जैसे स्नेक, ओके, ये सब परफॉर्म करते हैं। तो ऐसा वो क्यों करते हैं, ठीक है, दे परफॉर्म हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन इन ऑर्डर टू सेव देमसेल्व्स, सेव देमसेल्व्स from the extreme climatic condition, from extreme climatic condition, okay, by storing food store karke, by storing food and minimizing metabolic activities bhi wo minimize karta hai, theek hai, minimizing मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, गॉट इट। तो ये मेन पर्पज हुआ, ठीक है, हाइबरनेट या एस्टिवेट करने का, गॉट इट। नाउ व्हाट आर द कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स, अगर मैं एग्जांपल पूछूं तो एग्जांपल आप क्या बताओगे, पहला तो हो गया पाइसेस, देन कम्स रेप्टिलिया, एंड फाइनली व्हाट, एम्फीबिया, पाइसेस एंड रेप्टिलिया, ओके, गॉट इट। तो दिस इज ऑल अबाउट द बॉडी टेम्परेचर। तो बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम कुछ टर्म्स देखेंगे, वी विल लुक एट सम टर्म्स दैट इज बेस्ड ऑन हैबिट्स एंड हैबिटेट। अब हैबिट्स एंड हैबिटेट के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है, ओके, उसके ऊपर हम बात करेंगे, ओके? So next is the what? Classification on the basis of habits and habitat. Classification on the basis of habit and habit day.
फ्रेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट एंड हैबिटेट बहुत सारे यहाँ पे आपको डिवीजन मिल जाएंगे या ग्रुप्स मिल जाएंगे एनिमल्स के, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं हैबिट, हैबिट का मतलब क्या होता है, जैसे नेचर का ही बात कर ले, ठीक है, आदत भी बोलते हैं उसे, ओके। देन कस्टम्स, ओके। आफ्टर दैट हैबिटेट का मतलब होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म लिव करता है सर्वाइव करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ एक्वेटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड ड्वेलर्स एंड ऑल। तो सबसे पहला जो टर्म है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो नॉकटर्नल, ठीक है। नॉकटर्नल एनिमल्स हम किसे बोलेंगे, ओके, नॉकटर्नल। सो बच्चों, नॉकटर्नल हम उसे बोलते हैं जो कि रात को एक्टिव होते हैं, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स और दीज एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट, ये रात के समय एक्टिविटी दिखाते हैं। और आप लोग को पता है रात को एक्टिव कौन रहता है, जैसे आउल हो गया, ओके, कॉकरोच हो गया, कॉकरोच इज ऑल्सो नॉकटर्नल। देन कम्स डायूर्नल, डायूर्नल ग्रुप में कौन कौन आएगा, जो दिन के समय में एक्टिव होते हैं, ओके, एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम, ओके, दीज आर ह्यूमन एंड बर्ड्स। नेक्स्ट इज ऑरल, ओके, ऑरल आर दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर एक्टिव ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग, ओके, दैट इज द डॉन, एक्टिव एट डॉन। डॉन का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग, ओके, एंड इट्स एग्जाम्पल विल बी व्हाट, रैबिट, फ्यू स्पीसीज ऑफ रैबिट, कुछ स्पीसीज रैबिट के यहाँ पे आ जाएंगे। देन कम्स वेस्पेरल, वेस्पेरल दैट इज एक्टिव एट डस्क। तो देखिए एक्टिविटी को लेकर के ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया। तो अगर डॉन हो गया अर्ली मॉर्निंग, तो ये डस्क का मतलब क्या होता है बच्चों, इवनिंग, ओके, और आपको पता है इवनिंग में भी रैबिट एक्टिव होता है। नाउ अब दोज ऑर्गेनिजम्स हु आर एक्टिव ड्यूरिंग बोथ अर्ली मॉर्निंग दैट इज डॉन एंड डस्क, दे विल बी कॉल्ड एज क्रेपस्कुलर, ओके। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्रेपस्कुलर भी कहते हैं। क्रेपस्कुलर मीन्स एक्टिव एट बोथ, एट बोथ डॉन एंड डस्क, ओके। और इसका एग्जाम्पल भी बच्चों क्या होगा, तो रैबिट, ओके। नाउ तो ये तो आप एक्टिविटी देख लीजिए, दिन के समय में रात को एक्टिव हो रहे, कुछ दिन में एक्टिव हो रहे, कुछ डॉन, कुछ डस्क, कुछ दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द व्हाट, डे टाइम और नाइट टाइम, ओके, ड्यूरेशन में। नेक्स्ट नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्लासिफिकेशन जो है, जैसे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कहाँ पे होता है, ठीक है, मतलब जैसे फॉसोरियल हो गया, ठीक है, या आर्बोरियल हो गया, ओके, लाइक दिस। नाउ स्टूडेंट्स द अनदर टर्म विच यू विल गेट हियर, ओके, आई विल राइट इन नेक्स्ट पेज, फॉसोरियल, ओके, फॉसोरियल। फॉसोरियल का मतलब होता है बच्चों द ऑर्गेनिजम्स हु लिव्स इन बरोज, जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिज्म है वो कहाँ लिव करता है, बरो में, ओके, एंड दीज ऑर्गेनिजम्स हैव व्हाट, फोस्सा, उनका फोस्सा होता है, एफ ओ डब्ल्यू एस, फोस्सा मींस लाइक दिस द स्नाउट, हियर व्हाट हैपेंस, द नोज एंड माउथ, ओके, दे विल फॉर्म व्हाट, स्नाउट, S N O U T, जो अंडरग्राउंड रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों इसका, तो रैट, रैट हो जाएगा। अर्थवर्म भी अंडरग्राउंड रहता है,
अर्थ वॉर्म. ओके नेक्स्ट इज कर्सोरियल. फोसोरियल हो गया, ये कर्सोरियल. कर्सोरियल आर द फास्ट रनर्स. जो फास्ट रनर्स होते हैं उन्हें हम कर्सोरियल कहते हैं बच्चों. ओके मतलब जैसे जैसे क्या होता है, हूफ्ड एनिमल्स हो गए. ओके और फास्ट रनर्स बेसिकली कौन कौन होता है, टाइगर हो गया, लायन हो गया. ओके डियर हो गया, डियर हो गया, इवन कॉकरोच ऑल्सो. ओके ये भी कर्सोरियल में ही आएगा. ओके नेक्स्ट टर्म इज स्कैनसोरियल. SCANSORIAL स्कैनसोरियल. स्कैनसोरियल का मतलब जो दीवार पे चिपके हुए होते हैं, ठीक है, दीवार पे, दैट इज द वॉल स्टिक एनिमल्स और वॉल स्टिकिंग एनिमल्स. देखिए बच्चों कितने सारे टर्म्स हैं, है ना, वॉल स्टिकिंग एनिमल्स. और आपको पता है वॉल पे कौन पाया जाता है, बेसिकली छिपकली, जिसको हम क्या कहते हैं, लिजर्ड. ओके नेक्स्ट आर्बोरियल. आर्बोरियल, आर्बोरियल का मतलब ट्री ड्वेलर्स. ओके फाउंड इन ट्री टॉप्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो ट्री टॉप्स पे पाया जाता है, ट्री ड्वेलर्स होते हैं, ठीक है. और ट्री ड्वेलर्स बेसिकली कौन होते हैं, मंकीज. मंकीज होंगे, देन स्क्विरल भी होते हैं, स्क्विरल दैट इज गिलहरी. ओके एप्स, एप्स एक्सेट्रा. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एरियल. ARIAL और वोलेंट, VOLANT. ये क्या होता है बच्चे, तो फ्लाइंग क्रिएचर्स, ठीक है, ये फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग क्रिएचर्स. और फ्लाई करने में सबसे आगे बर्ड्स, बैट्स. ओके दे कैन फ्लाई. नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज सॉलिटरी. जो नेक्स्ट ग्रुप हम देख रहे हैं बच्चों, ये है सॉलिटरी. ओके इन सॉलिटरी व्हाट हैपेंस, दे लिव अलोन. ये अकेला रहता है, दे लिव अलोन. एंड इट्स एग्जांपल विल बी व्हाट, टाइगर, कैट, पांडा. टाइगर हो जाएगा, कैट हो जाएगा, पांडा हो जाएगा. ओके दे आर सॉलिटरी. देन कम्स ग्रीगेरियस. ग्रीगेरियस का मतलब जो झुंड में रहता है. ओके दे विल बी फाउंड इन ग्रुप्स, found in groups. And you know that deer and elephant, they are basically found in groups. Elephant, deer. Next term is colonial. Colonial का मतलब आप लोग को पता है, जो colony में रहता है, ठीक है, social life अपना जीते हैं, जैसे ant हो गया, honey bee हो गया. Honey bee का colony तो social colony है. Okay, वहाँ पे members भी होते हैं, जैसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है वहां पे. ओके टर्माइट्स. अच्छा बच्चे तो हनी बी के बारे में जो मैं बता रहा था, जैसे ड्रोन हो गया, वर्कर भी हो गया, क्वीन भी हो गया, सबका अलग अलग काम है, ठीक है, वहां पे डिवीजन होता है. नेक्स्ट इज ससाइल. ससाइल मीन्स दे आर परमानेंटली फिक्स्ड. ये परमानेंटली फिक्स्ड होता है. ओके एंड इट्स एग्जाम्पल पोरीफेरा. ऑलरेडी आई टोल्ड यू पोरीफेरा के बारे में बताया हुआ है. पोरीफेरा जो कि है स्पॉन्ज से जाना जाता है, ठीक है, ये जो फाइलम है. नेक्स्ट इज सेडेंटरी. सेडेंटरी, सेडेंटरी मींस दे आर यूजुअली फिक्स्ड. ये ज्यादातर फिक्स्ड होता है, वैसे तो फिक्स्ड होता है, ठीक है, बट कैन ऑल्सो मूव. ओके बट कैन ऑल्सो मूव. ओके and its example is hydra. Hydra belongs to Cylindrata. Next free living. Free living मतलब they are what, motile creatures. Okay ये motile creature है, move कर सकता है. Okay example आपको पता है, बहुत सारे example मिल जाएंगे. मैं fish दे रहा हूँ और human बोल रहा हूँ, ठीक है, human हो गया, और भी बहुत सारे पाए जाएंगे. Next is planktons. प्लैंकटन्स, प्लैंकटन्स जनरली फ्लोटिंग क्रिएचर्स होते हैं बच्चों, ठीक है, और इसका एग्जांपल हो जाएगा क्रस्टेशिया. फ्लोटिंग
creatures and its example will be what? Crustaceans. Okay. और कुछ टर्म्स बच गया है बच्चों, ज्यादा नहीं है क्लासिफिकेशन का. एक है नेक्टॉन्स. नेक्टॉन्स दैट इज एक्टिव स्विमर, जो एक्टिवली स्विम करते हैं. एक्टिव स्विमर का एग्जांपल हो जाएगा बच्चों फिश, एक्टिवली स्विम करता है. नेक्स्ट बेंथोस. बेंथोस मींस जो जो समुद्र के नीचे पाए जाते हैं, मतलब बॉटम ड्वेलर्स उसको बोलेंगे. ठीक है, बॉटम ड्वेलर्स एक्वेटिक होंगे, बॉटम ड्वेलर्स होते हैं. ओके, जैसे क्रैब हो गया, स्टार फिश हो गया. ओके, दीज आर क्लासिफिकेशंस व्हिच आर बेस्ड ऑन व्हाट? हैबिटेट एंड मिसेलेनियस. ओके, सो नाउ थोड़ा इस पे देख लेते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन का ही थोड़ा सा पोर्शन है. जैसे एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया था एनिमल किंगडम को दो कैटेगरीज में. ओके, एरिस्टोटल ने क्या किया था, तो एनिमल किंगडम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और उन दो कैटेगरीज को हम क्या कहते हैं, एनाइमा एंड ईनाइमा. एरिस्टोटल जिसे कि हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज फादर ऑफ जूलॉजी. ओके, एरिस्टोटल जिसे दोनों ही कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी भी है, फादर ऑफ जूलॉजी भी है. ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने एनिमल किंगडम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था. एक बोला था एनाइमा और एक बोला था ईनाइमा. ओके, कभी कभार पूछ दिया जाता है यहाँ से भी क्वेश्चंस. तो एनाइमा का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स, वो एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं है. तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एनिमल्स विदाउट आरबीसी. And those organisms who have RBC, those are called as enaima. So what we'll write here, animals with RBC. Okay. So enaima में कौन कौन आ जाएगा बच्चों, जैसे स्पॉन्ज हो गया, स्पॉन्ज, नीडेरिया दैट इज सिलेंट्रेटा, मोलास्का, आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा के बाद इकाइनोडर्माटा. ओके, दिस आर द ऑर्गेनिजम्स विच आर बेसिकली एनाइमा. और ईनाइमा में आ जाएगा बच्चों वर्टिब्रेटा. तो ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था. ओके, नाउ आई एम गिविंग यू और आई विल गिव यू द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. अब जरा सा एंड है तो इसको हम समअप करते हैं बच्चों. ये क्लासिफिकेशन खत्म हो रहा है एनिमल किंगडम का. नेक्स्ट लेक्चर में हम पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो ये फाइनल है, ये समअप कर रहा हूं मैं. आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया और एनिमल किंगडम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल किंगडम हम एक चार्ट बना लेते हैं. किंगडम के बाद जो क्राइटेरिया रखा है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब आप लोग को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है ये सब. ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गेन लेवल, ऑर्गेन सिस्टम लेवल. ठीक है, देन कम सिमेट्री. ओके, देन कैविटी दैट इज द बॉडी कैविटी. These are the main parameters and the phylum. Okay, तो सबसे पहले kingdom तो हो गया बच्चों, चलिए ठीक है, animal kingdom. Okay, now this animal kingdom is divided into different levels according to organization. First is cellular level. तो cellular level में बच्चों क्या है कि symmetry भी नहीं पाया गया है, asymmetry होता है, और बॉडी कैविटी भी नहीं होता है. ठीक है, एसिलोमेटा में आएगा. तो
तो फाइलम कौन सा है जो सेलुलर लेवल है, तो वो है पोरीफेरा, जिसको स्पॉन्ज से जाना जाता है। नेक्स्ट बच्चों बच गया टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम। ओके नाउ अब ये क्या है बच्चों कि सबसे पहले हम देखते हैं टिश्यू, ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम में यहाँ पे हमको क्या क्या मिलेगा। रेडियल भी मिल सकता है, रेडियल सिमेट्री मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, बायलैटरल सिमेट्री। ओके दो टाइप के सिमेट्री पाए जाएंगे। अब जो रेडियल सिमेट्री होता है उसमें भी बॉडी कैविटी नहीं पाया जाएगा बेसिकली। ओके एंड द एग्जाम्पल विल बी व्हाट, सिलेंट्रेटा, दैट इज द निडेरिया, सिलेंट्रेटा, एंड अनदर वन इज स्टीनोफोरा। गॉट इट। नेक्स्ट इज द बाइलेटरल। अब बाइलेटरल में क्या होता है बच्चों कि हमें तीनों ही मिल जाएंगे, ए सिलोमेट, सीडो सिलोमेट एंड सिलोमेट। नाउ इफ यू टॉक अबाउट ए सिलोमेट, दैट इज दे हैव नो सिलोम, तो ए सिलोमेट का एग्जांपल हो जाता है प्लेटीहेलमिंथेस। ओके ये आपको रिवीजन के लिए दिया गया है, आप लोग तो अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट सीडो सिलोम भी आपको पता है, सीडोसिलोम किसको कहते हैं, सीडोसिलोम दैट इज द फॉल्स सिलोम। सीडोसिलोमेट में कौन आ जाएगा, तो एस्केल्मिंथेस और निमेथलमिंथेस। ओके जिसे निमेटोडा के नाम से भी जाना जाता है। एंड द सिलोम दैट इज द सिलोमेट, प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको अच्छी तरह से पढ़ाया है, अगर आप लोग वीडियो लेक्चर देखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो सिलोमेट में सिलोम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एनिलिडा से। ओके एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के बाद आ जाएगा बच्चों मोलास्का, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेटा एंड फाइनली द कॉर्डेटा। ओके इकैनोडर्माटा के बारे में, इकैनोडर्माटा में क्या है, दोनों सिमेट्री मिलेंगे, मतलब दोनों सिमेट्री पाया जाता है। एक तो हमको मिलेगा बायलेटरल सिमेट्री और दूसरा रेडियल, दोनों ही पाया जाता है। ठीक है तो इकैनोडर्म्स के बारे में मैंने स्पेशल आपको मेंशन करके दिया था, फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, इकैनोडर्माटा में दोनों सिमेट्री पाए जाते हैं, एक हो गया बायलेटरल और एक हो गया रेडियल। सो जो बायलेटरल सिमेट्री है ये एडल्ट, सॉरी ये लार्वा में पाया जाता है, इट इज फाउंड इन लार्वा इकाइनोडर्म, एंड रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन एडल्ट इकाइनोडर्म। ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके वी'ल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है नेक्स्ट क्लास में हम फाइलम स्टार्ट करेंगे पोरीफेरा से। थैंक यू।